प्राज इंडस्ट्रीज देखिए, 420 रुपए पे ये अपना टॉप पे काम कर रहा है। इसके अंदर में देखो रेजिस्टेंस जो है, इमीडिएटली सपोर्ट जो था जिसको तोड़ा इसने 390 रुपए का, और वहां से इसने दो तीन दिन काम करके इसने इमीडिएटली 420 425 का लेवल तक ये मूव कर गया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर जाओ बिकॉज एक रिट्रेसमेंट बनता है, एक रिट्रेसमेंट आपको नियर वो 408 के लेवल दिखाएगा। आप 408 के लेवल में बाई करो, 408 के लेवल से आपको ऊपर में 435 का लेवल आपको मिल जाएगा। सो बेटर आपको 408 मिल जाएगा, हो सकता है आपको कल तक में 408 का लेवल मिल जाए, कल में या फिर मंडे तक में। आप 408 के आसपास एंटर करो 435 के टारगेट के लिए। ठीक है, किन लेवल्स पे एंट्री कह रहे हैं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। 408 पे, 408 पे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट बना हुआ है और वो 408 तक ले जाएगा इसको। ठीक है, तो जो रिट्रेसमेंट बन रहा है, जो गिरावट आ रही है, अभी आज भी 425-85 से और 419-60 के आसपास आ चुका है, 408 के आसपास खरीदारी की राय है, वहां पे एंट्री करेंगे। सर टारगेट क्या ले रहे चल रहे हैं? 435 रुपए का, 435। ठीक है, 435 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, लेकिन खरीदारी कहाँ पे करनी है, कितने किस गिरावट में और किस लेवल पे, वो नितिन सर ने बता दिया।